हेलो माय फ्रेंड, नमस्ते और प्यार भरा सलाम। आज मैं आपको बताऊंगा इस ड्राइंग के बारे में, डिटेल और डायरेक्शन के बारे में, और टेम्पलेट कैसे मुड़ जाता है। ये ड्राइंग हमारे एक व्यूवर्स हैं, एक सब्सक्राइबर हैं मुन्ना कुमार, उन्होंने ये सब ड्राइंग भेजा है कि इसके बारे में हमको बताइए, इसका डायरेक्शन के बारे में बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है, यहाँ पे आप दिख रहे हैं, जैसे इस ड्राइंग में स्पेक्टिकल ब्लाइंड का यहाँ पर एक सिंबल दिखा रहा है, ये वाला, ये स्पेक्टिकल ब्लाइंड का सिंबल है, लेकिन ये इस ड्राइंग में नहीं है क्योंकि ये डॉट डॉट दिया हुआ है, और ये जो है अगले ड्राइंग में रहेगा, जैसे ड्राइंग नंबर 9 में दिया हुआ है। तो ये इस ड्राइंग से कोई इसका लेना देना नहीं है, लेकिन इसमें उसका व्यू दिखा दिया है कि इसके जब वो कनेक्टिंग होगा इसके साथ तो उसके बीच में ये आएगा। उसके बाद यहाँ पे WNRF फ्लैंच लगा हुआ है, और इसका ये जो काला एक डॉट जो दे रहा है तो ये बट वेल्ड का सिंबल है, और ये जॉइंट नंबर लिखा हुआ है कि इसका जॉइंट नंबर कितना है, और यहाँ पे ये 35 लिखा हुआ है। तो 35 में अगर आप देखेंगे कि ये लिस्ट नंबर होता है, यहाँ पे 35, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सब लिस्ट नंबर लिखा हुआ है। तो 35 में देखेंगे कि यहाँ पे उसका डिटेल लिखा हुआ रहेगा, कौन सा यहाँ पे मटेरियल है। तो इसका यहाँ पे देखिए फ्लैंज लिखा हुआ है, WN फ्लैंज, यानी कि WNRF फ्लैंज रहेगा, और उसका ये सब कोड वगैरह है, और 300 क्लास का रहेगा। और इसका साइज अगर हम देखेंगे, इस ये जो पाइप है, इस पाइप का साइज जो है यहाँ पर देखिए 14 इंच लिखा हुआ है, जैसे 14 इंच, NS नॉमिनल साइज 14 इंच। और यहाँ पे इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे वेल्डोलेट या सोकोलेट लगा हुआ है। तो इसको डिटेल में देखना हो तो हम इसमें लिस्ट नंबर में जाएंगे, यहाँ पे देखिए इसका लिस्ट नंबर 20 लिखा हुआ है, और इसका साइज है 14 इंच बाई 1 इंच, 14 इंच इंटू 1 इंच इसका साइज है। और इसका जो हाइट कितना रहेगा, यहाँ पे पाइप के सेंटर से दे रहा है, पाइप के सेंटर से 200 दे रहा है। तो 14 इंच का पाइप का देखेंगे कि हाफ ओडी कितना हो रहा है, तो उसमें हम माइनस करेंगे तो ये 200 में मिनिमम मान के चलिए 33 mm इसका हाइट आएगा। आप चेक कर सकते हैं डायमेंशन, ये जो चीज लगा हुआ है 20 नंबर में, यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या लगा हुआ है 20 नंबर में। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सोकोलेट लगा हुआ है। आप जैसे ये फुटेज जो आप देख रहे हैं इस तरीका का, इसमें सोकोलेट रहेगा। और वेल्डोलेट जो होता है उसमें बट वेल्ड होता है ज्वाइंट, और सोकोलेट में क्या होता है कि सॉकेट ज्वाइंट होता है, जैसे इसके अंदर पाइप इनसाइड में चला जाएगा और सॉकेट वेल्ड होगा। उसके बाद अगर हम आगे आते हैं, इसमें देखिए डॉट डॉट जो इसमें दिया हुआ है ये लाइन के साइड में, तो ये इंसुलेशन के बारे में देता है, इस पाइप में इंसुलेशन आने वाला है। इसका इंसुलेशन के यहाँ पे साइज देखिए लिखा हुआ, कुछ जो जानकारी नहीं है हमें तो आप साइड में जो इंजीनियर है उसके बारे में पूछ सकते हैं, क्या इसमें इंसुलेशन कितना एम रहेगा, क्या रहेगा, वो सब बता देगा आपको। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए ये जो दे रहा है, यहाँ पर एक डॉट भी दिया हुआ है वेल्डिंग जैसा शो कर रहा है, और यहाँ पे सपोर्ट का सिंबल दिया हुआ है साइड में, दो लंबा डैश जैसा। तो वो जो होता है डॉट जो है, यहाँ पर हो सकता है कि टूनियन वगैरह आता हो, टूनियन सपोर्ट जैसे टी ब्रांच होता है उस तरीका का, 90 डिग्री में टूनियन सपोर्ट नीचे के साइड में रहेगा, आ सकता है यहाँ पर। तो इसका डिटेल देखने के लिए ये सब नंबर दिया हुआ है ड्रॉइंग का, आप वो सपोर्ट का डिटेल आप देख सकते हैं किस तरीका का यहाँ पे सपोर्ट आएगा, और यहाँ पे वेल्डिंग होगा उस सपोर्ट का, इसीलिए यहाँ पर डॉट दे दिया गया, और वो वेल्डिंग का नंबर है ये S1 जो लिखा हुआ है। और ये जो ऊपर में जो लिखा हुआ है ये सब लिस्ट नंबर है, S69 और S68। यहाँ पे देखेंगे पाइप का जो सपोर्ट है, यहाँ पर देखिए दोनों का नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, 68 और 69। उसके बाद यहाँ पे ये सपोर्ट से, और ये एक और सोकोलेट लग रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पे सॉकेट ज्वाइंट का ये सिंबल देता है कि इसमें एक लंबा डैश जैसा, उससे आप समझ जाइए कि ये सोकोलेट है। और यहाँ पे 20 नंबर में इसके भी हम देख सकते हैं, ये भी 20 नंबर में था और ये भी 20 नंबर में, मतलब दोनों एक ही चीज है। और यहाँ पे वेल्डिंग नंबर दिया हुआ है, और यहाँ पे इसका हाइट भी दे रहा है, पाइप के सेंटर से 200 mm इसका हाइट रहेगा, पाइप के सेंटर से अगर हाफ ओडी माइनस करेंगे तो लगभग 33 mm आएगा या 34 mm आएगा, ऐसा ही कुछ इसका हाइट सोकोलेट का। ये भी जो सोकोलेट का साइज है 14 इंच बाई 1 इंच का रहेगा, और इसमें इंसुलेशन दिखा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे एक ग्लो वाल्व लग रहा है, यहाँ पे देखिए एक डंडी भी दिया हुआ है, और बीच में एक डॉट जो दिया हुआ है वो डार्क कलर का दिखा रहा है। इसमें मैं को यहाँ पे दिखा देता हूँ, 51 नंबर में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए 51, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे ग्लो बल्ब रहेगा, और यहाँ पे देखिए SW लिख दिया, यानी कि सॉकेट वेल्ड रहेगा। तो यहाँ दोनों साइड में सॉकेट वेल्ड रहेगा। इसका जो हैंडल का जो डायरेक्शन जो दिखा रहा है यहाँ पर लिख दिया है स्पैंडल नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ के साइड में ये इसका हैंडल रहना चाहिए,
और इसका डायमेंशन लमसम 102 या 3 mm होगा। यहाँ पे कट गया है थोड़ा, और यहाँ पे पाइप के सेंटर से और यहाँ पे एल्बो के सेंटर तक यहाँ पे डायमेंशन लिखा हुआ है 623 mm। अगर हम ये दोनों पाइप लगाना चाहेंगे, कटिंग करना चाहेंगे, तो इसका पूरा डायमेंशन माइनस करके यहाँ पे लिखा हुआ है 96 mm और 200 का रहेगा दो पाइप। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है 90 डिग्री का एल्बो लगा हुआ है, और ये सॉकेट वेल्ड है 90 डिग्री का, और इसका एल्बो सेंटर जो लिखा हुआ है 23 mm है, ये 1 इंच का है। और इसका अगर हम पाइप का साइज देखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी देख सकते हैं NPS 1 लिखा हुआ है, और थिकनेस 4.55 mm रहेगा, और A106 यानी कि CS का पाइप रहेगा, सीमलेस पाइप रहेगा। पाइप के बाहर या अंदर देखेंगे तो कोई वेल्डिंग का दाग या कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देगा आपको, कोई वेल्डिंग का सीम आपको दिखाई नहीं देगा, तो इसी को बोलते हैं सीमलेस पाइप। तो 1 इंच का ये एल्बो है और 1 इंच का पाइप है, और इसमें सॉकेट वेल्ड का एल्बो लग रहा है, जिसका एल्बो सेंटर जो है जो माइनस करेंगे अगर आप, इसमें तो ऑलरेडी माइनस किया हुआ है, तो 23 mm एल्बो सेंटर रहेगा दोनों साइड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 23 mm इधर भी है, 23 mm इधर भी रहेगा, और इसका एल्बो का जो सेंटर पॉइंट जो होता है दोनों जहाँ पे मिल रहा है एकदम, वहाँ का ये एलिवेशन लिखा हुआ है कि कितने एलिवेशन पे ये रहेगा। और जो ये एल्बो का जो अगर आप डिटेल देखना चाहेंगे तो 21 नंबर में आपको देख सकते हैं यहाँ पर कि 21 में क्या लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए 21 नंबर में दे रहा है 90 डिग्री, NPS 1 इंच, 90 डिग्री एल्बो, SW यानी कि सॉकेट वेल्ड एंड, और यहाँ पे उसका पाउंड और ईयर क्लास लिखा हुआ है, 3000 पाउंड एंड क्लास का रहेगा ऐसा ही कुछ, और A105 का ये कोड है इसका CS का। इसी तरीके से ये सब रहेगा। और आगे आते हैं तो ये सब पाइप हो गया, पाइप का लेंथ रहेगा 200 mm, माइनस करके सब लिखा हुआ है। अगर आप फुल लेंथ देखेंगे तो 233 mm लिखा हुआ है, जिसमें यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट लग रहा है। अगर किसी चीज़ का इस तरीके से लगा हुआ अगर आपको मालूम नहीं है तो उसको आप बता सकते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट आइटम है, अगर इंटरव्यू अगर हम पूछा जा रहा है, अगर आप साइड में फिटअप कर रहे हैं अगर आपको मालूम नहीं चल रहा है तो आप अपने साइड इंजीनियर से पूछ सकते हैं कि ये क्या चीज़ लगा हुआ है, नहीं तो आप अगर मोबाइल वगैरह है तो इसके बारे में आप गूगल में सर्च मार के देख सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। और इसका यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ रहता है, आप इसका नंबर देखेंगे 56 में, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 56 में इंस्ट्रूमेंट कंपोनेंट, और यहाँ पे उसका नंबर लिखा हुआ है। तो इसका जो साइज है वो 3 mm का है, और यहाँ पे जो फ्लेंज का डायमेंशन रहेगा वो 4 mm का रहेगा, 4 mm, और बाकी जो है फ्लेंज का डिटेल्स 39 में मिलेगा, और ये 46 में गैस्केट का रहता है, और 92 में बोल्ट का साइज वगैरह आपको मिलेगा नंबर। तो इसी तरीके से ये सब नंबर लिखता है, और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये स्पूल नंबर लिखा हुआ है, कितने स्पूल में इसको बनाना है। यहाँ पे देखिए एक और स्पूल नंबर यहाँ पे है S03, यानी कि स्पूल नंबर 3 रहेगा, और यहाँ पे ये कट का निशान जो दे दिया मतलब यहाँ पे ये फील्ड वेल्ड रहेगा, और यहाँ से यहाँ तक का एक स्पूल, और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का दूसरा एक और स्पूल रहेगा जो ये 17 नंबर रहेगा, S17 और S03। ये दोनों स्पूल का नंबर इस तरीके से अगर हम इसमें बनाने के बाद जो टैग लगाएंगे, एक एल्युमिनियम का या फिर कोई भी चीज़ का इसमें टैग लगेगा जिसपे नंबर पंच मार के या लिख करके लिखेंगे, जो ये पूरा डिटेल आपको इतना सारा लिखना ही पड़ेगा, तब जाके ये पता चलेगा इरेक्शन के दौरान कि ये स्पूल कहाँ का है, कहाँ लगेगा, किस ड्राइंग का है। ये हो गया, मैं इसका एक टेम्पलेट मोड़ के दिखा देता हूँ, और इसका डायरेक्शन के बारे में बता देता हूँ कि इसका डायरेक्शन कैसे देखा जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं किस ड्राइंग का जो है नर्थिंग जो है इस कोने पे दे रहा है, तो ये नॉर्थ हो गया, और ये कोना साउथ हो गया, और ये कोना जो है वेस्ट, और ये कोना ईस्ट हो गया। तो ये जो लाइन है वेस्ट से ईस्ट में जा रहा है, और यहाँ पे एक सर्कुलेट लगा करके यहाँ पे लाइन ये अप हो रहा है, और अप होने के बाद ये साउथ में जा रहा है। तो इसी तरीके से हम एक ये टेम्पलेट आपको मोड़ के दिखा दे रहा हूँ। तो फ्रेंड, जैसे आप ये ड्राइंग में जो देख रहे थे इस कोने पे नॉर्थ बता रहा है, तो हम अपने सामने नॉर्थ मानेंगे और हमारे तरफ साउथ रहेगा, और हमारे लेफ्ट साइड में वेस्ट हो जाएगा और राइट साइड में ईस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला ये ड्राइंग में जो आप देख रहे हैं इसमें डायरेक्शन दिखा रहा है कि ये जो NRV जो लगा हुआ है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ईस्ट से ये वेस्ट जा रहा है, तो ये ईस्ट से और ये वेस्ट जा रहा है। तो इस तरीके से ये पहला डायरेक्शन हो गया। यहाँ पे इसमें दे रहा है कि यहाँ पे एक सर्कुलेट लगा करके यहाँ पर एक पाइप लग रहा है, तो हम ऐसे इसका एक बना लेंगे। ये वर्टिकल में चला गया, ये वाला जो है ईस्ट से वेस्ट में हो गया, और यहाँ पे एक सर्कुलेट लगा के ये लाइन अप में गया,
और इसमें ही हम बना लेते हैं। इसके बाद इसमें दिखा रहा है कि ये साउथ के तरफ आ रहा है, तो ये हमारा इस साइड में जो है हमारे तरफ साउथ है, तो हम अपने तरफ ऐसे साउथ के तरफ ऐसे बेंड कर लेंगे और फिर इसमें ही हम ऐसे फिर पीछे की तरफ लेके चले जाएंगे। तो जैसे आप इसमें देख रहे हैं ये लाइन ईस्ट से वेस्ट चला गया, जैसे इस ड्राइंग में आप देख रहे हैं। और इसके बाद अप में जा रहा है, ये जो है गया, ये जो दिखा रहा है जो अप में जा रहा है, और उसके बाद ये वाला जो है साउथ में जा रहा है। इस तरीका से ये साउथ में आ गया जैसे आप ये ड्राइंग में देख रहे हैं, और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट आइटम यहाँ पे लग रहा है, तो इस तरीका से ये डायरेक्शन दिखा रहा है। तो ये हो गया इसका टेम्पलेट, देख रहे हैं किस तरीके से बेंडिंग हुआ है। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा, इस तरीके से लाइक बटन नीचे उसे आप दबा कर हमको बताइए, और इस तरीके से एक रेड बटन होगा नीचे सब्सक्राइब का, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिल जाए।